लालू यादव हो या नीतीश कुमार, दोनों की राजनीति जातियों के आधार पर ही टिकी हुई है। बिहार में सबसे ज्यादा आबादी ओबीसी और ईबीसी की है, जिसकी संख्या 52% के करीब बताई जाती है। इन जातियों के अधिकतर वोट आरजेडी और जेडीयू को जाता है। इसके अलावा 16% दलित महादलित की आबादी है। इन जातियों पर नीतीश कुमार की पकड़ मजबूत मानी जाती है। वहीं 17% मुस्लिम है, जिस पर सबसे ज्यादा पकड़ आरजेडी की मानी जाती है। 15% के करीब सवर्ण है, जिसके अधिकतर वोट बीजेपी को मिलते हैं। जाति के इस गणित का समीकरण देखा जाए तो इस वक्त बीजेपी का पलड़ा हल्का लग रहा है। यही वजह है कि बीजेपी हर मुमकिन कोशिश में जुटी है कि किसी भी तरह से जातियों के इस गोलबंदी को तोड़ इसे हिंदुत्व वाली राजनीति के राह पर लाया जाए। बिहार यूपी जैसे राज्यों की राजनीति में जाति सबसे ज्यादा हावी रहती है। इन राज्यों में अलग अलग जाति के अलग अलग दल और अलग अलग नेता भी होते हैं जो खुद को स्थापित कर चुके हैं। कई इस रेस में काफी तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। चूंकि बिहार में बीजेपी की छवि हिंदुत्व वाली है, ऐसे में माना जा रहा है कि बागेश्वर बाबा के प्रवचन के जरिए बीजेपी इस जातीय राजनीति को हिंदुत्ववादी राजनीति में बदलने की कोशिश कर रही है। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि बागेश्वर बाबा के कथा स्थल पर बड़ी संख्या में दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग पहुंच रहे हैं। दलित पिछड़े वर्ग के वोटर्स पर जेडीयू और आरजेडी की मजबूत पकड़ है। ऐसे में बीजेपी इन वोट बैंक को हिंदुत्व के नाम पर एकजुट कर अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। दलित पिछड़ा एकजुट हो गया तो जेडीयू आरजेडी को बड़ा नुकसान हो सकता है। बागेश्वर बाबा के बहाने तो चाहेगी ही बीजेपी की हमारा वोट बैंक बने। जिस तरह से लोगों का हुजूम, जनसैलाब, भीड़ बाबा बागेश्वर को सुनने देखने आ रही है, स्वाभाविक रूप से बाबा बागेश्वर जो बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के जो मूल जो विचार हैं उनसे मिलते जुलते हैं। सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन की वो बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि बाबा की जो भीड़ है उस भीड़ का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले।